हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई समय हो रहा है ठीक 11:15 बजे का। दोनों भाई नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत। और भाई उठा तो मैं सुबह का हूँ, पर आज मेरी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब सी लग रही। भाई सुबह सुबह हो गए लूज भाई, मोशन, इसका पेट गड़बड़ हो गया, लूज मोशन हो रहा है गाइस। सुबह से लूज मोशन हो रहा है, और आपको पता है भाई जब मोशन होते हैं तो पूरा इमोशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। पूरा इमोशन जो है मोशन के साथ में निकल जाता है गया। इनका पेट जो है पिल 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 कर रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। पर देखो अपन काम को नहीं छोड़ सकते भाई, कितनी भी तबीयत खराब हो अपन को ऑफिस जाना है, काम करना है। अरे कैमरा हिला देते हैं आज, नहीं उधर जितना पेट नहीं हिला उससे ज्यादा तो ये कैमरा हिला दिए। तो गाइस पूरी तबीयत ऐसी बम 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 हो रही, दिमाग ऐसा घूम रहा है। पर अपन भाई पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, और अपन तैयार होके देखो ऑफिस चल रहे हैं भाई, ऑफिस चल रहे हैं। देखो सुबह से ना मोशन खत्म हो गया, नहीं 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 आ रहा क्या है, इनके मोशन के साथ तो पूरे इमोशन बह गए, इसलिए बड़ा सा परेशान हो, वो शब्द भी बह गए ठीक है, बीच बीच में शब्द खा जा रहे हैं ठीक है। तो फटाफट जूते मोजे पहनते हो भाई, सीधे यहाँ से चलते हैं ऑफिस। भाई साहब को देखो, भाई साहब ने मस्त शर्ट प्रेस करके दी, भाई इनको पैंट भी नया निकाल के दे दिए। ये बड़ी समस्या है मेरे साथ में, कहीं भी घर के बाहर जाना होना तो पहले दो ठंगिया शर्ट को जल्दी जल्दी और पैंट को प्रेस करो, उसके बाद निकलो, यानी निकलने के पहले ही आदमी थक जाता है। आप गलत कर रहे हैं, आप रात को आके मूवी देखते हो, उसकी जगह आप प्रेस कर लो तो सुबह सुबह थकना नहीं पड़े। पर इनको मूवी भी नहीं छूटती, पूरी पूरी वेब सीरीज चाट के खा जाते हैं, तो उसमें भाई समय तो बर्बाद हो गई। अब यहाँ से अपन देरी नहीं करते, चलते हैं। गाइस बहुत शानदार सफर एंजॉय करते हुए भाई हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस के बगल में, और आज इतनी तेज धूप निकली है भाई, बिल्कुल छिलमिला के ना जल रहा है। कहा भाई साहब जल रहा है भाई, भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो सुनो फटाफट जाते हैं ऑफिस का पूरा काम निपटा के, फिर टेंशन फ्री होके भाई आपको ज्वाइन करते हैं आराम से। गाइस समय हो रहा है 1:30, हम भाई टोटल हो गए ऑफिस से फुर्सत, पर अभी ऑफिस के काम से गाइस नहीं हुए फुर्सत। अभी हमें भाई दो मीटिंगों में जाना है, दो मीटिंग भाई पूरी तरह से आज निपटाना किसी भी तरीके से। और आज भाई साहब को इतना ज्यादा ढसका लग रहा है भाई, इतना ज्यादा कोई याद कर रहा है, ये दो बोतल पानी पी गए पर इनके गले से ना ढसका खत्म ही नहीं हो रहा है। खराश खराश जिसको बोलते हैं ना, खत्म नहीं हो रही है। नहीं भाई साहब आपको कोई याद कर रहा है, मालूम है, इसी कारण ढसका लगता है। और भाई बाहर ना बहुत चिलमिलाई वाली धूप हो रही है भाई, बहुत ही तेज गर्मी है। वहां से यहाँ, यहाँ से वहां जाने में ना शर्ट ऐसी चिपक जा रही है, उसको ऐसे करके खींचना पड़ा। बताओ भाई कैसे खींचना भाई, एक बार आपने शर्ट उतार दी ना, हाँ तो दोबारा नहीं पहन पाओगे, 2 घंटे की उतरी नहीं पहन सकते भाई, इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है। अब यहाँ से भाई फुर्सत होगा, अब चलते सीधे एक सिटी में मीटिंग है और एक अपने घर के पास थोड़ी दूर पे मीटिंग है, तो दोनों काम फटाफट निपटाएंगे तो आज टेंशन फ्री हो जाएंगे। गाइस पहली मीटिंग से भाई हो गए फुर्सत, बहुत शानदार मीटिंग हो गई। और भाई हम मीटिंग करने के लिए जा रहे थे तो हमें एड्रेस कंफर्म नहीं था, हम भाई फोन पे लगे थे एड्रेस ढूंढ रहे थे, कुलिया कुलिया भाई साहब वाले व्यक्ति ने ऐसा कंफ्यूज किया, ऐसा कंफ्यूज किया, एक ही जगह पे गोल 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 घूमते घूमते, मैंने कहा यार पहले बता देते इसके नीचे आना है। हाँ वो ऐसे एड्रेस बताया कि हमको वो नाम नहीं पता, हमने बोले सीधे ऐसा नाम बताया करो तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे। आप कुलिया कुलिया घुमा दिए भाई मेन रोड से, फिर कुलिया कुलिया आते हुए, और उस कुलिया भाई जो रोड थी ना इतनी सकरी रोड थी कि वहाँ कोहनी भी छिल जाए ऐसा, मोबाइल निकालना तो भूल जाओ, बिल्कुल सट सट के गाड़ियाँ निकल रही थी। पर भाई पहला काम अपना हो गया, टेंशन फ्री, बड़ा अच्छा लग रहा, हल्का हल्का काम निपटते जाते हैं ना तो बड़ा खुशी होती है कि भाई जिस काम से हम निकले हैं वो काम को निपटा देंगे। और ऐसे ही भाई देखो ऐसा है, हम दो प्यारी जिस काम में लग जाते हैं वो काम पूरी तरह से निपटा ही देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर हो चुका है, नहीं तो निपटा देते। हाँ निपटा देते हैं या निपट जाता है, दो ही होता है, सही बात है, आर या पार, बढ़िया से। तो भाई यहाँ से दूसरा कॉल आ रहा है, यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ेगा लगभग में, वो अपने घर के आसपास ही बड़ा है, तो वहाँ से मीटिंग निपटाती है सीधे अब घर में मुलाकात होगी। ठीक है भाई साहब, हाँ भाई अब घर में करेंगे खुरापात थोड़ा बहुत, मौसम बहुत गर्म है भाई, खड़े होने में ना बेचैनी हो रही, एसी में बैठो तो वैसे भी लंच का टाइम आ रहा है, जल्दी जल्दी खाएंगे भाई, भूख लगी बहुत, मेरे को प्यास लगी भाई, पहले पानी की बोतल खरीद के पानी पीते उसके बाद चलते हैं। पूरा काम निपटाते हुए भाई पहुंच गए घर, और मस्त गए ठंडे ठंडे 4 बाल्टी पानी से नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत। भाई सुबह भी नहाओ और जब काम करके लौट के आओ तब भी नहाओ,
क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी ज्यादा पसीना निकल जा रहा है कि भाई बिना नहाए तो आप रह ही नहीं सकते है। तो मस्त मोटर चालू करते भाई, ठंडा पानी आता उससे नहा लो, दिमाग भी फ्रेश और भाई थकान भी बिल्कुल दूर हो जाती है। भाई साहब गरम कर रहे हैं भाई लंच, ये देखो दो दो कढ़ैया बैठा के रखे हैं गाइस। एक कढ़ैया में भाई साहब ने पापड़ तला है और दूसरे कढ़ैया में क्या कर रहे हो भैया, तड़का लगा रहे हो भाई, क्या बोलते हैं इसको, दाल और चावल और मसाला डाल के जब उसको फ्राई करेंगे बढ़िया, चटपटा बनाएंगे बढ़िया से है, ये मेरी डिश है। हाँ भाई साहब ने कड़ुआ तेल में तड़का लगा रहे गाइस। ये देखो भाई पापड़ हमारे तल चुके हैं, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, कटहल की बहुत बढ़िया सब्जी गर्म हो गई है। भाई साहब ने इसको क्रंची कर दिया भाई, लाल लाल कर दिया। सरसों भी डालोगे क्या दाल में? जीरा डाल दो, जीरा से बघारो। अच्छा सरसों से ही बघारोगे, जीरा से ही बघारोगे, मसाले से ही बघारोगे, तेल से ही बघारोगे और चावल दाल को ही बघारोगे। वाह 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 बहुत बढ़िया भाई, हम लोग का रोज का ना नियम हो गया है दोपहर का लंच भाई हम लोग शाम को ही करते हैं। पांच तो बज ही जाते, सही बात है, रोज शाम हो जाती भाई, ज्यादातर ना साढ़े चार, चार से साढ़े पांच के बीच में लंच हो रहा है, छह भी बज जाते हैं भाई साहब, कई बार छह भी बज, कभी साढ़े छह भी बजे हैं और कभी कभी दिन का लंच जो है ना वो रात को आठ बजे नहीं किए, 12 बजे भी किए हैं। तो गाइस हमारी जिंदगी में समय का कोई भी ठिकाना भाई नहीं है, ठीक है, जब मिल जाए तब खा लो, समझो वही लंच है वही डिनर है, क्या भाई साहब है ना, गर्मा गर्म लंच तैयार है और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है। और अभी गाइस समय हो रहा है 4:30 बजे का, बोले तो भाई 4:30 हो गए शाम के, दोपहर का लंच हमको शाम को ही भाई नसीब होता है। तो भाई फटाफट थाली में दिखाता हूँ कि है क्या क्या। तो गाइस सबसे पहले देखो भाई साहब ने दाल चावल दोनों को गरम करके मसाला डाल के बनाया था, पोहा आइटम डाल के मिक्स करके बना लिए है। ये है भाई पापड़, कटहल की बहुत शानदार सब्जी और खीरे का भाई बहुत बढ़िया सलाद है, ऊपर से मैंने मसाला भी डाल दिया, तो पूरी थाली लबालब भरी हुई है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। लंच करने के बाद भाई इतनी तेज नींद आने लगी, इतनी घनघोर नींद आने लगी कि 10 मिनट बैठा नहीं जा रहा था भाई, मैं तो पट से रखा मोबाइल और सो गया। बहुत शानदार भाई अभी नींद खुली, मुंह हाथ धोकर भाई मैं हो गया हूँ फुर्सत। और भाई देखो हल्की हल्की अंधेरी वाली शाम हो गई है, अरे पूरी अंधेरी हो गई है। और सुनो हमारे गेट पे बिल्ली कूद रही थी, अभी जो सफेद सफेद दिखा ना गेट पे, वो बिल्ली का पिछवाड़ा था भाई, ठीक है, कूद के भाग गई, बिल्ली का बच्चा नहीं बिल्ली थी वो, पूरी बिल्ली थी, हाँ पक्का देखा तुमने, बिल्ला होता ना तो कम से कम तो तुम्हारे ना जांग बराबर होता, मोटा इतना मोटा बिल्ला है, वो डराता भी यार। तो गाइस दिन में थकान भी हो गई थी, धूप भी बहुत तेज लग गई थी, तो भाई सो लिया तो दिमाग भी हल्का, शरीर भी रिलैक्स हो गया। तो जब नींद आए तो सो जाओ, नींद को परेशान करोगे नींद आपकी वाट लगा देगी, फिर कोई काम भी सही समय पर नहीं होगा। मम्मी जी भाई अपने काम में हमेशा लगी रहती हैं। अब देखो शाम हो गई है तो रात्रि भोजन की भाई तैयारी चालू हो गई है। मम्मी जी करेला काट रहे भाई, बहुत ताजा बिल्कुल मुलायम, मैंने कल करेला लेके आया था तो मम्मी बोली आज यही बनेगा, यही बनाओगे मम्मी, और कुछ भी बनेगा कि करेला ही बनेगा। ये आ गए भाई सोता इंसान, अच्छा भरमा चावल, भरमा बनाएंगे भरमा, अरे ये तो शुगर में ही बहुत सही रहता भाई, शुगर भरमा, तो मम्मी को शुगर में भाई बहुत राहत देता, करेला खाओ शुगर कंट्रोल हो जाती। तो गाइस ये देखो शानदार मुलायम मुलायम बिल्कुल हरे हरे ताजे ताजे करेले, और आम भी डलेगा क्या मम्मी इसी में? और भाई देखो चक्कू छटक गई थी तो मम्मी के हाथ में देखो भाई लग गया, अरे बाप रे, अरे मैंने नहीं किया गाइस, ये नहीं अरे रुको तो भाई करेला काटने में देखो यार छटक गया, मम्मी का हाथ में लग गया, कितना कट हो गया भाई, खून भी निकलने लगा, बाप रे, आराम से करा करो मम्मी, काहे जल्दबाजी में करेला काटने में लग जाते। अरे अच्छा हुआ चक्कू वो ये कम धार वाली थी, ज्यादा धार वाली होती तो पूरा कट जाता है। हाँ गाइस हमारे यहाँ कई प्रकार की चक्कू है, तो मम्मी कम धार वाली चक्कू लेती हैं, नहीं वो नहीं निकाले, वो अच्छा काटे, तुम बीच से अलग हो जाओ, तुम करेला बिलोड़ दोगे हैं, मम्मी को काटते हैं तो ज्यादा ज्ञान ना पेलो, तुम पोखट में खड़े हो क्या मम्मी हैं, अच्छा करेला बनाना, मजा आना चाहिए, बिल्कुल उंगली चाट के थाली भी खा जाए ऐसी करेला भाई, मम्मी बहुत बढ़िया करेला बनाती हैं। भाई साहब जो कटहल को कंधे पे लाद के क्यों घूम रहे हो इधर उधर,
काट के इसका भंडारा करना है। गाइस ये कटहल आपको याद है कि नहीं याद है, मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। नेवाड़गंज सब्जी मंडी से भाई हमने पका हुआ कटहल लाया था, क्योंकि हमें कोवा खाए के मन कर रहा था। मतलब है कि हमें कटहल का कोवा खाने की बहुत तेज इच्छा हो रही थी, तो हमने कटहल लेके आए थे। गाइस ये देखो कटहल, अरे वो पीछे हो भैया पीछे, पूरा कटहल का साइज देखो गाइस। ये कम से कम मैंने तौला तो नहीं था, पर बहुत बड़ा है भाई ये, देख रहे हो। ये देखो पूरा कटहल का साइज आपको समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा है, और ये पूरी तरह से पक चुका है। सुनो ये लगभग ना 7-8 किलो का, 7 किलो करीब का होगा। हाँ मैं भैया ने तौल के नहीं दिए थे, डायरेक्ट दे दी थी। ये बहुत पक चुका है भाई, पूरा गलगला आ गया है अंदर से, ठीक है। हाँ पिचकरा भाई, बहुत शानदार पिचकरा, बहुत शानदार। आप भाई साहब इसको बोल रहे हैं इसका भंडारा करेंगे और कद्दू काटेंगे और सब में बांटेंगे। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बहुत बढ़िया। पर यहाँ कटहल कटेगा सब में बटेगा। हाँ गाइस इसकी खुशबू जो है ना भाई इतनी तेज आ रही है कि आपको ना मुंह में पानी आ जाएगा गाइस। तो मैं तो बिल्कुल अब रहा नहीं जा रहा, अब इसका भाई भंडारा चालू, इसको काटना चालू करते हैं और मस्त खाएंगे कटहल का कोवा है। हाँ ऐसे काटो काटो, चलो काटो काटो सच्ची। हाँ गाइस अब ऊपर आ चुका है भाई, जब हमारा कटहल कटने वाला है। अरे घुसेड़ दो चाकू, बा ये देखो भाई। हाँ हाँ 20 से 2 टुकड़ा करो, ठीक है भाई। काटो काटो काटो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1-2-3 मेरे को तो लग रहा खराब ना हो गया हो भाई, बहुत ज्यादा पक गया है ये। और रात भर तुम लोगों ने थैले में छोड़ दिया था, उसको वाट ना लग गई हो भाई, सबसे बड़ी बात खराब हो गया हो भाई। हाँ ये भी बात सही है, खराब हो गया होगा तो हमारी तो समझो दिन फूट जाएगा। खाए है पल पल आ गया है। अरे नहीं अरे तो कोवा निकल रहा है, कोवा निकल गया। ये देखो गाइस पूरा कटहल पक गया। खोलो 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 खोलो, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये देखो इसको बोलते हैं पका हुआ। कीड़े लग गए, कीड़े से लग गए, कीड़े लग गए नहीं, कीड़े तो नहीं पता, सफेद सफेद सा क्यों दिख रहा है। अरे ये निकाल लेंगे ना अपन ये गाइस। ये देखो भाई यहाँ से देखो इतना कोवा भाई, ये अरे बिना मेहनत का कोवा, इतना कोवा गाइस, इतना कोवा देख रहे हो, कटहल का कोवा ही कोवा है भाई, बहुत शानदार। तो भाई साहब ने जो रात भर इसको थैले में छोड़ दिया ना, उससे इसकी वाट लगी, बहुत बढ़िया। अब गाइस एक काम करते हैं, इसको फटाफट ना थाली में निकाल लेते, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा तो पूरी वाट लग जाएगी। भाई साहब फटाफट इसको निकाला जाए, कोवा खा के मजा लिया जाए भाई, ठीक है। कोवा खा के मन करता है, हाय बहुत बढ़िया। तो गाइस ये देखो भाई कटहल ही कटहल, बहुत बढ़िया। गाइस ये देखो नया घर में फल आया था, मम्मी ने बोला कटहल का कोवा निकालो प्लेट में ले आओ, इसका भोग लगाएंगे भगवान को। तो मम्मी थाली में लेके चली गई हैं और ये हमारे देवता घर के जो हैं ये बैठ गए हैं और ये आराम से पूरे कटहल के कोवा का भोग लगा रहे। भैया एक बात बताओ, तुम पूरा जूठा करके बैठ गए, मम्मी पापा सब खाने वाले थे, अकेले खा रहे हो बैठ के, ये गलत बात है यार। गाइस बड़ी वाली थाली में मैंने इसका पूरा कोवा निकाल के दे दिया है। मम्मी क्या है ना, हमारे भाई घर में कोई भी नया फल आता तो भगवान को भोग रखता है, ठीक है। तब कटहल पका हुआ अभी पहली सीजन है, पहली बार आया तो कम से कम भोग लगना चाहिए। अब वो भगवान को भोग लगने के लिए चले गया है। अब मेरे को भाई रहा नहीं गया क्योंकि इसकी खुशबू मेरे को बेचैन कर रही थी, मेरे को आकर्षित कर रही थी, मुझे बुला रही थी, बोले मुझे खा लो खा लो खा लो। तो भाई किसी चीज ने इतनी बार बुलाया तो उसको खाना मानता नहीं है क्या, नाराज करवाएंगे क्या? इसलिए हे भगवान। गाइस ये देखो, ये पूरे कटहल का जो ये बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा केला साफ कर गया है। अभी कोई नहीं खा रहा था साथ, ये अकेला भाई बैठ के खा रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है इसको ना रोका गया तो पूरा कटहल अकेले खा जाएगा। गाइस देखो सुबह हुआ लूज मोशन, इसको खाने से भी मोशन होते हैं, किसी की सूट ना करे तो ज्यादा पेल के मत खा रही हो। मुझे तो ठीक ठाक रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे लिए तो भाई जैक फ्रूट एक नंबर का फल होता है, तो मैं तो यही प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और मस्त ऐसे राम जी पूरा खा गया भाई। भाई बस कर बस कर बस कर, रहने दे अब, बस रहने दे रहने दे। जाओ मंडी वहां से लाओ कटहल, घर में काटो खाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसका सुख लो कि कैसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा होता है। अरे भाई गजब कर दिया यार, बस कर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। अच्छा स्वाद कैसा, मीठा में कैसा स्वाद आ रहा है?
एक सेकंड रुको, उसके पास ले चले जरा। हाँ गाइस रुको, बिल्कुल पका आम का स्वाद आता है इसमें, मस्त भरपूर मीठा होता है। और इसको खा के भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 1-2-3-4-5-20 गोटी खा चुकी ऐसी, ठीक है, बहुत शानदार आनंद आ रहा, कटहल खा के भाई मजा आ गया। हाँ गाइस ये देखो, एक सेकंड हट, अरे बाप रे, ये देखो सबूत देखो आप जरा, ये जितनी गोटियां दिख रही है ना गोलियां, ये इतने कटहल ये भाई सब खा चुके, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 और ये 21-22 भगवान हमारे नाम में ना जोड़ो यार, 22 कोवा खा चुके हो भैया, अब बस करो, थोड़ा ब्रेक ले ले भाई, ब्रेक ले ले। अब पंखा में चलते, गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे चश्मे में भाप जम जा रही है, अब इसको खाने का और गर्मी हो रही है, बाय बाय। हम भाई वो गर्मी नहीं हो रहा, तुम्हारा पेट भर गया है इसलिए गर्मी लग रही है। गाइस मैं बैठ के कर रहा हूँ भाई व्लॉग एडिट, और मुझे मिल गई भाई बनी बनाई शाम की खांटी दूध की खाकी चाय, ये देखो भाई बहुत शानदार खुशबू तो भाई एक नंबर की आ रही है, चाय बनाई भाई साहब ने बहुत बढ़िया, सूरज पश्चिम से नहीं दक्षिण से निकला भाई, रोज शाम की चाय मैं बनाता हूँ या मम्मी जी बनाती हैं, आज भाई साहब की चाय टेस्ट करके बताते रहो कैसी है। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत शानदार, पूरा ब्लॉग एडिट कर भाई फुर्सत हो गए, उसको सेव करने में डाल दिए हैं, उसको भाई अपलोड करके पब्लिश करेंगे भाई सुबह सुबह, और समय हो गया है भाई गर्मा गर्म डिनर का, और गर्म गर्म तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है। तो गाइस आज बना भाई करेले का बहुत शानदार भरमा, ये देखो मस्त लग रहा ना देखने में, गर्मा गर्म चावल, और ये भाई खीरे का सलाद, इसमें मैंने नींबू डाला है और मसाला डाला है, नमक डाला है, पूरी थाली तैयार है, और भाई भूख लगी है बहुत जोर से। ये गाइस हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग, आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।